नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और 12 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है वो आपका 28 दिसंबर यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा, 1885 याद रखिएगा, बम्बई, ठीक है, 1885 बम्बई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी किस जो है ये विधानसभा से सीट हारे थे? दोस्तों जो है हारे थे वो वाला पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, ये नाम भी याद रखेंगे जिनको जो है याद करना है, राज्यपाल और जो है जो भी स्टेट है उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए यहाँ पर ट्रिक मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ट्रिक से मैंने एक चीज़ याद करवाया है। तो पुष्कर सिंह धामी जी जो है किस विधानसभा से दोस्तों ये हारे थे, सीट थी तो वहाँ पर आपका खाटीमा सीट थी, विधानसभा खाटीमा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे कोरिलेट के याद कर सकते हैं कि धामी जो है धड़ाम से गिरे कहाँ पर, जहाँ पर दोस्तों जो है खंड था या फिर कहेंगे कि जो खाटीमा था या जगह, खाटीमा से पता भी चल रहा है कि कोई ऊबड़ खाबड़ जगह होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ट्रिक है, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये योजना दोस्तों किस राज्य ने दिया दोस्तों? तेलंगाना। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई दोस्तों जो है तेल हाथ में लगा हुआ है, इसीलिए जो है अब क्या होगा ड्रोन से, इसलिए क्या होता है ना दवाइयों को ड्रोन से पहुंचाने की, तो हाथ में तेल लगा हुआ है, हाथ से नहीं ले जा सकते, तो ऐसे याद करवा सकते हैं, ठीक है, खुद भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ममता बनर्जी कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है? भैया तीन बार ममता बनर्जी दीदी जी जो हैं ये जो है तीन बार जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट बात करेंगे, चिंता दोस्तों जो है कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला के लिए प्रसिद्धि पाई हैं या फिर जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो चिंता कला कृष्णमूर्ति जो हैं, चिंता कृष्णमूर्ति जी दोस्तों कला है, मतलब जो डांस है वो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी दोस्तों नृत्य के लिए दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश का ये है, इनको जो है क्या है ये प्रसिद्ध है, चिंता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है HYV सीड्स में H का मतलब फुल फॉर्म है उसमें H का मतलब पूछा है, तो H का मतलब हाई हो जाएगा, फुल फॉर्म का पूरा यहाँ पर हो जाएगा हाई, H से हाई हो जाएगा, Y से यील्डिंग हो जाएगा और V से वैराइटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो हाई का मतलब एच का पूछा था तो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनने वाली IPL टीम कौन सी है? क्या पूछ रहा है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनने वाला पहला टीम दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है दोस्तों, क्या है भारत का पहला यूनिकॉर्न जो है स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये कई बार हम यहाँ पर बता चुके हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन है 1976, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका मूल कर्तव्य है, ये आपका जो है चार के ए में, भाग चार के ए में है, ठीक है। और दोस्तों जो कर्तव्य 10 था, कर्तव्य कहाँ से लिया गया ये भी मैंने ट्रिक से याद करवाया, तो कर्तव्य दोस्तों यहाँ पर लास्ट में मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है, कि कर्तव्य और जो भी मतलब संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ओणम जो है किस राज्य से रिलेटेड या फिर त्यौहार है? तो ओणम दोस्तों केरल से है। अब कई लोग पोंगल और ओणम में जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, तो पोंगल दोस्तों जो होता है वो तमिलनाडु का होता है, पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु का होता है। तो पर्व इत्यादि जो जिस जो भी पर्व है या फिर इतिहास जो फेस्टिवल हैं वो किस राज्य से रिलेटेड है उसको भी मैं लास्ट में लगाने का प्रयास करूंगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पार्लियामेंट का दोस्तों जो है यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर होता है पार्ली, फिर आ के लिए ए लगाते हैं MEN T, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया PARLIAMENT होता है पार्लियामेंट का मतलब स्पेलिंग भी आ गया इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका बैटल जो है यहाँ पर मतलब लड़ाई का यहाँ पर पूछा गया था शायद सिनोनिम्स दोस्तों, तो इसका आपका जो भी सिनोनिम्स होता है आप देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पर जो भी वाद विवाद टाइप का जो होता है, अब मतलब इसमें ये सब दिया गया था उसमें आपको बताना था, तो ये आपका होते हैं कोई ऑप्शन दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में दोस्तों, गया से 24 किलोमीटर लगभग दूर है, पूछ रहा है बराबर की गुफाएं, ठीक है, बराबर की जो गुफाएं हैं भारत के किस राज्य में? बिहार में है, जहानाबाद जिले में है ये दोस्तों, गया से 24 किलोमीटर लगभग दूर स्थित है।
नेक्स्ट बात करेंगे 2005 में कौन से पड़ोसी देश ने अपनी राजधानी बदली दोस्तों, तो म्यांमार ने, इसको वर्मा करते हैं, म्यांमार ने दोस्तों जो है क्या किया, अपनी राजधानी बदला है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेल में हाइपरलिंक का जो है शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस के होता है एक्सेल में हाइपरलिंक का जो है शॉर्टकट। नेक्स्ट बात करेंगे नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये आपका 12 जुलाई को हुआ है मतलब स्थापना। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा 1982 में, और कर्नाटक में मुख्यालय है। क्वेश्चंस तो हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देख लीजिए जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश में बात करें तो आरसी आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, वॉइस पूछा जा रहा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो ग्रामेटिकल इरर करते हैं लोग जो है कहीं कुछ आप कोई भी चीज़ में सेंटेंस में कहीं गलती हो रही है फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है आपका जो है, क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, और वो कब से लगभग 7 क्वेश्चन के लगभग में पूछे जा रहे हैं जैसे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड ये सब जो है। नेक्स्ट बात करेंगे और यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग में पजल आ रहा है, पजल दोस्तों सेट करने वाला या इसमें बैठक व्यवस्था भी देख लीजिएगा आप लोग। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, सीलॉग पूछा जा रहा है, सीलॉग मतलब कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा इत्यादि, तो इसमें मैंने यूपीएसआई लेवल का बैंकिंग लेवल का मैंने करा रखा है उसको देख लीजिएगा, देखो सीखो स्टडी लास्ट में लिख करके सीलॉग लिख दीजिएगा। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलेंडर से मैंने एक ही ऐसा ट्रिक दिया है जिससे कि आप कोई भी डेट का निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप देख लीजिएगा कैलेंडर, देखो सीखो स्टडी सर्च कर लीजिएगा, कोई भी डेट आए कुछ भी नहीं है कहीं ट्रिक एकदम मारेंगे खलास। नेक्स्ट बात करेंगे क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग में दोस्तों आपके जो बैठक व्यवस्था होती है वृत्त में आपका लाइन में जो बैठक व्यवस्था ऊपर देखते रहते हैं साथ साथ नीचे देखते हैं या फिर बैठक व्यवस्था आपकी पंक्ति में होती है, ये सब बैठक व्यवस्था आपको देख करके जाना है, कोई भी चेंज कर सकता है अलग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका दोस्तों यहाँ पर वेन डायग्राम, तो यूपीएसआई लेवल का ये भी मैंने करा रखा है, वेन डायग्राम सर्च कर लीजिएगा, देखो सीखो स्टडी आपको मिल जाएगा। फिगर काउंटिंग या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर जिसको कहते हैं ये भी देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। मैथ में बात करें तो मैथ में 5 लगभग दोस्तों आपके जो एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिकल से लगभग 10 क्वेश्चन, SICI से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मतलब इसी के अंतर्गत हम बता रहे हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शंकु बेलन ये सब जो है मतलब जो भी 3D 2D वाले हैं इनको देख लीजिएगा, गोला भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्रय विक्रय के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने में खरीदा कितने में बेचा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, साथ साथ DI से आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएगा यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो है प्रयास किया कि जो है 12 अक्टूबर को आपका दिल्ली पुलिस के थर्ड शिफ्ट में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके पास लेके आए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही जो वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ दोस्तों जो है इंड स्क्रीन पर आ रहे ट्रिक्स को देख करके जाइए, इससे क्वेश्चन फंसने के चांस है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड शेयर।